सिंपल घेर वाली शलवार बनाने के लिए सबसे पहले आप इसकी कटिंग समझ लें, क्योंकि बाद में मेरे पास कमेंट आएंगे कि सर इसकी कटिंग भी समझा दें, तो इसलिए मैं आपको पहले कटिंग ये हुई हुई है ये आपको समझा रहा हूँ। इसका बेल्ट देख लें, 28 इंच में मैंने काटा हुआ है, ये दो पीस हैं, 28 इंच पे इसका बेल्ट कटा हुआ है और ऊपर का हिस्सा भी इसका 28 है, और बेल्ट की लंबाई जो है 11 इंच है, और नीचे वाला जो शलवार का हिस्सा है इसकी 34 इंच लंबाई है, और आसन मैंने इसका 11 इंच पर कटिंग किया हुआ है, और पाइचा जो है इसका 7 इंच पे मैंने कटिंग किया हुआ है, टोटल 7.5 इंच दबाव के साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरी खूबसूरत बहनों और प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। न्यू फैशन आइडियाज़, कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि इस तरह की तमाम वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर मैं मशीन पर आपको इसको बनाना सिखाता हूँ। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये घेर का हिस्सा है, इस पर सबसे पहले आपने प्लेटें डालनी है आधा आधा इंच की, और गैप आपने 1 इंच का देना है। आधा इंच की प्लेट डालनी है और 1 इंच का गैप देना है, तो ये आपका 28 इंच पे रेडी हो जाएगा घेर। इस तरह के दो पीस हैं मेरे पास, और ये जो देख रहे हैं आप, मैं प्लेटें डाल रहा हूँ, इसकी चौड़ाई टोटल 28 और 28, 56 इंच इसकी चौड़ाई है, तो इसको कवर करना है 28 इंच पे, मतलब इसका हाफ बनाना है, तो दोनों तरफ के जो बेल्ट हैं उसमें एक एक पीस लग जाएंगे। ये मैं खोल के बना रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, अगर किसी मेरी बहन को नहीं बनाना आती हो घेर वाली शलवार तो ये बहुत आसान तरीका है, इस तरह आप बहुत जल्दी भी बनाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा इंशाल्लाह कि आप कैसे बना सकते हैं। तो देखें, दोनों पीसों पर मैंने प्लेटें डाल दी हैं, और शुरू में और आखिर में 3.5 इंच छोड़ के मैंने प्लेटें डालना शुरू की हैं। अब मैं इसको बेल्ट के साथ नापूंगा। देखें, ये घेर का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये जब आप मैं इसमें घेर अटैच करूंगा बेल्ट के साथ, तो इस टाइम एक प्लेट यहाँ पे मैं डाल दूंगा, क्योंकि ये बड़ा हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2 इंच का फ़र्क आया, तो ये मैंने एक शुरू में प्लेट डाल दी है, और एक ये जब ख़त्म होगी लास्ट में एक प्लेट में वहाँ पर डाल दूँगा। अब ये एक प्लेट मैंने इसमें यहाँ पे डाली है, तो इस तरह देखें घेर इसके बिल्कुल बराबर आ जाएगा। साइज़ आपको समझ में आ गया होगा क्या है, बहुत आसान तरीका है, आधे इंच के दबाव से बस आपने इसको लगाना है। अब ये दोनों पीस देखें रेडी हो चुके हैं। अब इसके दोनों बेल्ट के हिस्से जो है मैं ऊपर से जोड़ना शुरू करूंगा और आसन की सिलाई लगाऊंगा, तो एक ही सिलाई में बेल्ट और घेर का हिस्सा जो है वो रेडी हो जाएगा, दोनों तरफ के जो हैं ये जुड़ जाएंगे। और इसमें आखिर में मैं ओवरलॉक करूंगा, वो मैं वीडियो में शामिल नहीं करूँगा, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि कम से कम टाइम में मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँ, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। और ये इसका पाइंच है, इसका जो दबाव है मैंने 1 इंच फोल्ड किया है इसको, और इंशाल्लाह एक आध दिन में इसकी मैं शर्ट की भी वीडियो डालूंगा कि इसकी मैंने शर्ट कैसी बनाई है, कि घेर वाली शलवार में आपको पता चल जाए कि आजकल क्या डिज़ाइन चल रहा है। और इसके बाद आखिर में मैंने इसकी अंदर की सिलाई लगाई है, और इसके बाद जो है मैं इसमें लास्टिक डालूंगा, और अगर आप लोगों को लास्टिक डालना नहीं आता आसान तरीके से, तो वो भी आप इसी वीडियो में सीख सकते हैं। तो ये शलवार रेडी हो चुकी है, बस इसका नेफा और लास्टिक रह गया। ये लास्टिक मैंने इसमें 25 इंच का लिया है, इसको मैंने जोड़ा है, तो ये टोटल 12 इंच तैयार आया डबल में। लास्टिक आप देख लें, आपने अगर इस तरह लगानी हो तो ये बहुत आसान तरीका है, इस तरह आपने लास्टिक को रखना है, और जो सिलाई है वो आपकी लास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल इसके बराबर में आपने सिलाई लगानी है। नेफा ज़्यादा चौड़ा भी ना हो, बिल्कुल इसके साथ साथ आपने किनारे पे सिलाई लगानी है कपड़े के, लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। और ये जो इसके फॉल होंगे ये आपने ऊपर की तरफ निकालते रहना है, ताकि आपका लास्टिक जो है वो बाहर आता रहे और आपको लास्टिक लगाने में कोई परेशानी ना हो।
ये मीडियम साइज़ की शलवार है, तो मैंने इसमें 25 इंच का इलास्टिक डाला है। अगर आपका लार्ज हो ये तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं उसको। अगर एक्स्ट्रा लार्ज है तो उसमें आपने 30 इंच की इलास्टिक लगानी है। तो ये इलास्टिक एक सिलाई लग गई है। अब इसको ये जो इसके घेरे हैं ये चारों तरफ से बराबर करने हैं आपके, आपने इसको खींच के बराबर करना है बिल्कुल। और उसके बाद आखिर में आपने इसकी एक सिलाई लगानी है सेंटर में, ताकि इलास्टिक अपनी जगह पे रुक जाए और इसमें कोई बल ना आए, वरना फिर वॉश के बाद जो ये इलास्टिक घूम जाएगी फिर आपको परेशानी होगी। तो ये इसका फाइनल लुक है। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।